हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए देख रहे हैं कि उन लोगों की लव लाइफ जनवरी 2021 में कैसे रहने वाली है। तो हमने पहले मास्टर कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, देख लेते हैं। मैन होल्डिंग ए हार्ट और प्रिविलेज लेडी, ये कार्ड तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। वहीं टैरो डेक से हम देख लेते हैं कि हमारे लिए कैंसर के लिए या कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं लव लाइफ को लेकर। नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। जी, ये कार्ड्स आए हैं आप लोगों की लव लाइफ को लेकर। तो फर्स्ट जो सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ उन लोगों को कैसे पर्सन मिल सकते हैं। जो गर्ल्स हैं उन लोगों को ऐसे बॉय मिल सकते हैं, ऐसे पर्सन मिल सकते हैं जो यहाँ आप देख रहे हैं मैन होल्डिंग ए हार्ट। तो इस तरह की पर्सनैलिटी के पर्सन हो सकते हैं जो काफ़ी गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो सकते हैं ये, और एवरेज टू टॉल इनकी हाइट हो सकती है। और ये इस तरह के पर्सन हैं जो अपने ड्रेसिंग सेंस में कह सकते हैं कि कूल हैं और काफ़ी लविंग पर्सन है ये। यहाँ 4-5 नंबर आया है, तो इसको आप अगर ऐड करते हैं तो 9 नंबर होता है। तो ये उनका मूलांक हो सकता है। और ये जो पर्सन है वो हो सकता है कि जिस दिन 9 आपके लिए किसी तरह से मायने रखेगा, जैसे ऐसे कोई डेट पे आप मिल सकते हैं जिसको जोड़ने पे, जैसे 18th of Jan को आप मिल सकते हैं, या इस तरह के जिन्हें जोड़ने पे 9 होता हो उस दिन आप इनसे फर्स्ट टाइम मिले, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और मे बी इनका मैरिज प्रपोजल आप लोगों के लिए आए। और काफ़ी लविंग पर्सन है ये और काफ़ी खूबसूरत कह सकते हैं कि ये गुड लुकिंग पर्सन हैं। और वहीं जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स के लिए देख रहे हैं तो उनको प्रिविलेज लेडी जो है वो इस तरह की क्वालिटी वाली कोई गर्ल उनकी लाइफ में आ सकती हैं जो ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा होगा उनका, वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। और नंबर 3 उनका मूलांक हो सकता है, या वो 12 ये डेट हो सकती है 12th of Jan जब आप लोग मिलें और फर्स्ट टाइम आप लोगों का कनेक्शन स्टार्ट हो और आप रिलेशनशिप में जाएं, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। या इस दिन इनका मैरिज प्रपोजल आप लोगों के लिए आए जो अनमैरिड हैं, सिंगल्स हैं, उन लोगों के लिए हो सकता है। और वहीं 5 of Pentacles की एनर्जी जो है 5 नंबर चेंज को दिखाता है। तो मे बी अभी आप कहीं भी देख रहे हैं या रिलेशनशिप के लिए भी देख रहे हैं और काफ़ी स्टक है आपकी सिचुएशन, आपको लग रहा है कि जिन लोगों का ऑलरेडी कमिटमेंट चल रहा है या कह सकते हैं रिलेशनशिप ऑलरेडी स्टार्ट है, उन लोगों के लिए कार्ड सजेस्टेड होगा। तो आप देख रहे हैं अंदर कपल है और बाहर लोग उन्हें देख रहे हैं, अंदर कपल। तो आप लोग अपने पार्टनर के साथ हैं तो ये काफ़ी लोगों को शायद इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट्स हो सकती है। तो मे बी आप लोगों के रिश्ते को लेकर कुछ लोगों का कुछ इशू है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड रखिए क्योंकि आप लोग वैसे एक साथ हैं ही और आप लोगों को कुछ फाइनेंसेस भी गेन होंगे। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं या रिलेशनशिप में हैं या मैरिड कपल्स हैं तो लोग आपको देख के थोड़ा जेलस हो रहे हैं। तो मे बी आप कोई, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि अंदर कपल है वो डांस कर रहा है और बाहर लोग जो हैं उनको देख रहे हैं, तो ये उनकी अपनी थॉट है, आप उससे इफेक्टेड मत रहिए जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। वहीं जो रिलेशनशिप में है उन लोगों में से कुछ लोगों के साथ ऐसे चल रहा है कि सेपरेशन हुआ है कुछ का, डेफिनेटली हुआ है कुछ का, या कुछ हार्ट ब्रेक कुछ लोगों का ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जो अभी किसी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो यहाँ एनर्जी आई है उन लोगों के लिए। या जो सिंगल्स हैं वो लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं कि उनको कोई अच्छे मैरिज प्रपोजल या कुछ समझ नहीं आ रहा, उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है ये 9 of Swords एनर्जी। काफ़ी एन्जाइटी, परेशानी या काफ़ी दुख में है, जैसे आप देख रहे हैं
अकेले बैठे हैं और पीछे 9 शॉट्स हैं, तो काफ़ी जिन लोगों का रिलेशनशिप या कम्युनिकेशन ब्रेक चल रहा है वो लोग काफ़ी परेशानी से गुजर रहे हैं या जनवरी से पहले गुजर रहे थे, तो उन लोगों के लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यह है कि इस तरह की एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन, जहाँ फिजिकली तो मैंने आपको बताया है काफ़ी गुड लुकिंग है, हैंडसम है और लविंग है, केयरिंग है, वहीं ये नाइट ऑफ कप्स एनर्जी भी यही बता रही है कि आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आपका अगर जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं या रिलेशनशिप में हैं, अगर आपके पर्सन का और आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है तो जल्द ही दूर होगा, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स जो है वो इमोशंस को शो करता है, ये उनकी तरफ से आपको इमोशनल अप्रोच वो करेंगे, मे बी वो फर्स्ट होंगे जो आपको अगर आपके बीच में कोई ब्रेक हुआ है तो वो खुद से ही कोशिश करें, इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इस चीज़ को लेकर यह है कि आप लोग दोनों ही काफ़ी इमोशनल चल रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं या रिलेशनशिप में हैं उन लोगों की एनर्जीज यहाँ आई है कि जहाँ आप परेशान हैं वहाँ वो भी थोड़े इमोशंस में हैं, और कप्स एनर्जी इमोशंस को शो करती है, और ये पर्सन जो है वो जल्द ही आपको अप्रोच करेंगे, और काफ़ी क्रिएटिव पर्सन है। जो लोग सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए भी साथ साथ में बता देती हूँ, जो ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे ये थोड़े इमोशनल भी हो सकते हैं और क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत है, और ये पर्सन जिस भी फील्ड एरिया में काम करते हैं वहाँ इनकी क्रिएटिविटी को काफ़ी जाना जाता है, माना जाता है, और इनके अंदर इमोशंस का फ्लो बाकी कह सकते हैं कि ये काफ़ी इमोशनल हैं और भावुक जल्दी हो जाते हैं ये, और शायद इसी वजह से जो लोग कमिटमेंट में रिलेशनशिप में उनके पर्सन भी ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये है कि कुछ बाहर के लोगों की वजह से अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो जल्दी दूर होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स आप लोगों की काफ़ी फेवर में हैं कि आप प्रिविलेज लेडी आप देख रहे हैं, पीछे इतना अच्छा सीनेरियो है और वहाँ वो, तो ये आप जनवरी में इस तरह की लाइफ इंजॉय करेंगे दोनों, और काफ़ी ब्यूटीफुल कपल होगा ये, अगर जो लोग सिंगल्स हैं वो और जो ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं उन लोगों की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सोल्व हो जाएगी, और जो भी अगर आप अगर यहाँ हम देखें तो कार्ड से हम ये और देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो सिचुएशन आपके साथ है, जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम चल रही है, उससे रिलेटेड कोई और मैसेज अगर होगा हमारे व्यूवर्स के लिए तो क्या होगा, इनकी सिचुएशन कब ठीक होगी इसको लेकर। जी, टेम्परेंस का कार्ड आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी प्रॉब्लम जो भी हो वो जल्दी दूर हो जाएगी। जी, मैं इनको ही ऊपर रखती हूँ, जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम चल रही थी उन लोगों के लिए ये कार्ड्स आए हैं, और काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। जी, स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका रिश्ता, जिन लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है वो जल्दी बैलेंस पे आ जाएगा, और स्टार गार्ड भी ये कह रहा है कि आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करने हैं, अभी आप चाहे कितने परेशान हैं, दुखी हैं, या आपका कोई कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ है या बातचीत नहीं हो पा रही है, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स हो गए जहाँ दोनों की एनर्जीज इमोशंस को शो कर रही है, तो आपको उस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता फिर से बैलेंस पे आ जाएगा, मे बी वो कॉल करेंगे या आप लोगों के मैसेजेस स्टार्ट होंगे, और अगर डिस्टेंस है आपके बीच में तो वो जल्दी दूर हो जाएगा। स्टार कार्ड इसी चीज़ को शो कर रहा है कि आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, थोड़ा स्पिरिचुअल होइए, या रिलीजन में अगर आप बिलीव रखते हैं तो उनकी प्रैक्टिस या अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग आप प्रे कीजिए, आपकी प्रेयर्स जल्द ही आंसर होगी और आपका रिश्ता फिर से एक स्मूथ रोड पे होगा, ये कह सकते हैं कि स्मूथनेस के साथ आगे बढ़ेगा और आप अपना रिश्ता फिर से अच्छा कर लेंगे उनके साथ, तो आपको बहुत परेशान होने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। और सिंगल्स जो हैं उन लोगों के लिए हम ये देख लेते हैं कि उनके जो पर्सन इस तरह की क्वालिटी या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होंगे वो उन्हें वो किस जेडिक साइन के होंगे और उनके अल्फाबेट्स कौन से हो सकते हैं, तो उसको लेकर यहाँ हम देख लेते हैं उनकी अल्फाबेट्स। पी से स्टार्ट हो सकते हैं जो आपको अप्रोच करें जनवरी में, के उनका नाम स्टार्ट हो सकता है, वर्गो ये हो सकते हैं जो आपको अप्रोच करें, वहीं एक और देख लेती हूँ मैं, पी क्यू और के उनके नाम के अल्फाबेट्स हो सकते हैं, और जोडिक साइन एक को दिख लेते हैं, टॉरस और वर्गो, ये जो पर्सन आपको
अप्रोच करेंगे ये, अगर जो लोग सिंगल्स हैं या मैरिज प्रपोजल के लिए देख रहे हैं या वैसे भी रिलेशनशिप चाहते हैं, तो आपको कोई टॉरस यानी वृषभ राशि और वर्गो यानी कन्या राशि के पर्सन जो होंगे वो आपको जनवरी में आपका उनके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो, इसके काफ़ी चांसेस हैं। और पी क्यू और के आया है यहाँ पे, तो ये उनके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ये स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट हो सकता है, उनके नाम में स्टार्टिंग होती हो पी से, के से या क्यू से, उनका नाम के फर्स्ट या लास्ट वर्ड्स में से हो सकते हैं। और आपको जो पर्सन अप्रोच करेंगे वो यहाँ, ये दो राशियाँ तो आई है और ये कार्ड हमने इनको क्लेरिफाई करने के लिए कहा है, तो ये एक्वेरियस और सेजिटेरियस को भी शो करते हैं। तो सिंगल्स ये दो राशियाँ भी देख सकते हैं कि वो धनु राशि के हो सकते हैं या फिर एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के हो सकते हैं वो पर्सन जो आपको जनवरी के अंदर अप्रोच करेंगे। और जिन लोगों का रिश्ता ऑलरेडी है या कह सकते हैं रिलेशनशिप है, मैरिड कपल्स हैं, उनके बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसको लेकर हमें यूनिवर्स ने यहाँ दो कार्ड इस तरह के मैसेजेस दिए हैं कि आप उस चीज़ को लेकर बहुत परेशान मत होइए, आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है। टेम्परेंस कार्ड ये दिखा रहा है, यहाँ एंजल विंग्स आप देख रहे हैं और ये बैलेंस कर रहे हैं दोनों को। तो आप, आपका रिश्ता चाहे किसी भी अभी रफनेस से गुजर रहा है, चाहे मैरिड कपल्स हों या सिंगल्स हों जो इस एनर्जी के अभी चल रहे हैं, उन लोगों की, जिन लोगों की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या इस तरह की कोई प्रॉब्लम अभी चल रही है या उनका ब्रेकअप हो गया है और वो किसी और की वजह से अगर हुआ है, तो उस चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि जनवरी के मंथ में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी और आपको कहीं ना कहीं जो आपके रिश्ते का बैलेंस अगर जिन लोगों का नहीं रह पा रहा था या कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी। बस उसके लिए आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करने हैं और अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको प्रेयर करनी है और स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना है आपको। तो आप लोगों के लिए यही रीडिंग थी, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।